सो हेलो एवरीवन, ये है टीडी पावर का शेयर और इस शेयर के यहाँ पर अभी जो है 15 तारीख को यहाँ पर इसकी कुछ अनाउंसमेंट हुई है। तो देखते हैं यहाँ पर इस शेयर से रिलेटेड कैसी अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। उससे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इस शेयर के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शेयर है इसको लेकर न्यूज़ आती है कि इसे 142 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर मिला है और इसे यहाँ पर दो लार्ज ऑर्डर मिले हैं, और वो भी एक ऑर्डर है इंटरनेशनल गैस इंजन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से, और यहाँ पर जिसकी वैल्यू यहाँ पर 142 करोड़ है, और ये यहाँ पर गैस सप्लाई इंजन जनरेटर्स के लिए यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है। ये ऑर्डर जो है हाई इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम द गैस इंजन सेगमेंट ऑफ द कंपनी बिजनेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर जो है यहाँ पर गैस इंजन सेगमेंट की जो कंपनी के बिजनेस है उससे दिया गया है, और जो जनरेटर और एक्सपोर्ट मार्केट्स है वो यहाँ पर डिलीवर्ड करेंगे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर और नेक्स्ट ईयर में। यहाँ पर क्वार्टर में भी आपको इसका यहाँ पर असर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कंपनी है वो यहाँ पर ऑर्डर जो है नेक्स्ट क्वार्टर तक यहाँ पर पूरा दे देगी। और यहाँ पर ये नोटिस जो है प्रमोटर्स और ग्रुप्स कंपनीज इन्होंने भी यहाँ पर इस चीज़ में ऑर्डर दिखाया है कि यहाँ पर इनको जो है इतना बड़ा ऑर्डर दिया जा रहा है। बाकी यहाँ पर इस शेयर के इस ऑर्डर मिलने से काफ़ी ज़्यादा आज उछाल देखने को मिला है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो है आज कहाँ 350 में शुरू हुआ था शेयर, और आज अभी यहाँ पर ऑर्डर मिलने की वजह से 407.60 पैसे चला गया है। 5.71% के यहाँ पर जो है अभी इंटरेस्ट देखने को मिला है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं इस शेयर के यहाँ पर वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम यहाँ पर 220,201 की है, और यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग 385.60 पैसे की है। ओपन प्राइस यहाँ पर 388.85 पैसे था। तो 380 से यहाँ पर शेयर भागा है। और बाकी यहाँ पर इसके मार्केट कैप की बात करें तो ये यहाँ पर 6093 करोड़ था। पी रेशियो 47.98 पैसे, और इंडस्ट्री पी 113.10 था। पी बी रेशियो यहाँ पर 8.64 था। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि कंपनी में डेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। आर ओ ई यहाँ पर 16.78% है। ई पी एस 8.13%। डिविडेंड यील्ड 0.28%। यहाँ पर बुक वैल्यू देख लेते हैं तो वो 45.15, और यहाँ पर फेस वैल्यू 2 है। अब यहाँ पर बात करते हैं शेयर के प्रमोटर्स की। तो प्रमोटर्स यहाँ पर 34.27% है। म्यूचुअल फंड 29.54%। रिटेलर्स यहाँ पर 19.36%। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया, जो कि अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लीजिए कितनी कम है। तो यहाँ पर जो है इस शेयर में सावधानियाँ बनाए रखिए। बाकी इस शेयर के यहाँ पर देख लेते हैं जो क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर रिजल्ट देखने को आए हैं। जून 2023 में 224 करोड़ था, और यहाँ पर जून 2024 में 277 करोड़ हो गया है। यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट तो देखने को मिला है। अब इस शेयर के यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रॉफिट्स की। तो वो यहाँ पर जून 2023 में 26.65 करोड़ था, और यहाँ पर इस क्वार्टर बढ़कर 35.35 करोड़ हो गया है। इस शेयर की बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है नेटवर्थ की। नेटवर्थ यहाँ पर 2020 में 425 करोड़ था, 2024 में 705 करोड़ यहाँ पर हो गया है। तो नेटवर्थ भी यहाँ पर जो है शेयर की इंक्रीज हुई है। तो ओवरऑल यहाँ पर ऑर्डर मिलने की वजह से यहाँ पर जो कंपनी है मतलब शेयर है उसमें उछाल देखने को मिला है। बाकी तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है तो इस वजह से थोड़ा बहुत रिस्क रह सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप होल्ड करना चाहें तो लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से होल्ड कर सकते हैं।